नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप मेरे भाई लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज पहला साल का पहला दिन और आपको फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। आज पहला दिन है और ठंड भाई ऑसम हो रही है, ऑसम। जैकेट पहन रखी है, नीचे स्वेट पहन रखी है, मोटी स्वेट शर्ट है, उसके बावजूद भी हाथ ठंडे हैं दवा के। टोपी उतारनी पड़ी, उन्होंने टोपी भी पहन रखी थी। इस समय में कबूतरों के साथ ऐसा क्या करें जो कबूतर बीमार ना पड़े, क्योंकि मोस्टली लोगों के कबूतरों में क्या है, प्रॉब्लम आ रही है और ठंड लग रही है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, लाइव एग्जांपल्स के साथ में ये वीडियो चलेगी। तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट डाल दीजिएगा नीचे। प्लस इंस्टाग्राम के ऊपर ज़रूर फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम का चैनल है अपना, तो आप वहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं। बात करते हैं, सर्दी बढ़ चुकी है, कबूतर बीमार हो रहे हैं, नज़रें खांसी जा रहे हैं, लकवे में जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो काफ़ी तरह की चीज़ें चल रही हैं इस समय पे। तो उसमें आप क्या करें, कबूतरों की देखभाल कैसे रखें। आपके वहाँ का टेम्परेचर तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरे यहाँ पे टेम्परेचर रात को 7 तक पहुँचता है, 7 डिग्री, तो लगा लो ठंड कितनी होती होगी। अब इस समय दिन के 2 बज रहे हैं, धूप तो निकल रही है, उसके अलावा दिखाते हैं भाई। ये देख लो आप, ये नज़ारा है हरिद्वार का। सामने एक त्रिशूल है जो पहले बिल्कुल क्लियर दिखता था, अब वो धुंधला हो गया। सामने ये देखें आप, उधर चंडी देवी का मंदिर था, वो गायब हो गया है कोहरे के चक्कर में। और ठंड बहुत ज़्यादा है, अल्टीमेट ठंड है और कोहरा आप देख सकते हैं, बर्फीली हवा चल रही है इस समय पे। लेकिन अगर मैं बात करूँ कबूतरों की आज, तो ये देखो भाई, तुम्हारे भाई ने कोई कुछ भी ढका नहीं है इनको, जैसे ये हैं वैसे आपके सामने हैं, मस्ती काट रहे हैं। कोई कबूतर फूल फाल के नहीं बैठा, सब अपना इधर से उधर टहल रहे हैं बढ़िया करके, ठीक है। ब्रीडिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और दिखाएंगे भी आगे जाके प्रोग्रेस क्या रहती है। आप ये देखें, आप सब कबूतर मस्ती में ठापियाँ मार रहे हैं और ठंड देखें आप। और ये दिन की बात नहीं है, कभी रात को भी आ जाना मेरे दड़बे के अंदर, ये दड़बा आपको ऐसे ही मिलेगा ओपन, उसका एक रीज़न है। इस समय पे मैंने पहन रखी है एक जैकेट, ये नीचे, फिर ये आपका इनर और नीचे बनियान। अब मैं सारी चीज़ें एकदम से रिमूव कर दूं तो क्या होगा, ठंड लग जाएगी, लगेगी ना, लग जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। अब रात को तो मैंने ढक दिया इन्हें बढ़िया करके एकदम मस्त तरीके से। अब ढकने में क्या हुआ, मैंने बोरी उरी लगा दी बढ़िया करके। लोग पन्नियाँ भी लगाते हैं, नहीं लगानी चाहिए पन्नी बिल्कुल भी, बिल्कुल मत लगाना पन्नियाँ वगैरह, सबसे ज़्यादा दिक्कत करती है पन्नी आपकी, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं बन पाता, अंदर गर्मी इतनी ज़्यादा बन जाती है कि सुबह के टाइम जैसे ही वो बाहर आते हैं काम ख़त्म। हमारे यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, धूप कभी निकल रही है कभी नहीं निकल रही। आज का दिन अच्छा है, धूप निकली हुई है, लेकिन धूप जल्दी से नहीं निकलती, खासकर इस दिसंबर की 25 तारीख से लेकर के जनवरी की 20 तारीख तक धूप बहुत कम निकलती है हरिद्वार क्षेत्र के अंदर। वो कभी कभी नसीब होती है सिर्फ, जैसे आज नसीब हो रही है मैं धूप। तो अब होगा क्या, मैंने रात को दड़बा ढक दिया बढ़िया करके, पैक कर दिया, अब कबूतर हो गए अंदर गर्म, गर्माहट बन गई बढ़िया वाली गर्माहट। सुबह जैसे दड़बा खुलेगा, अब सुबह धूप नहीं निकली, बर्फीली हवा चल रही है ठंडी ठंडी गजब एकदम, जैसे वो बाहर निकलेंगे काम ख़त्म हो जाएगा उनका। जैसे मैंने बताया, अगर मैं अभी उतार दूं सब कुछ तो बर्फीली हवा चल रही है और मैं जुकाम वगैरह, मैं बुखार में, हो सकता है बुखार भी आ जाए, हो सकता है जुकाम हो जाए, तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा उस कंडीशन में। तो ये गलती आप लोग ना करें। मैंने कबूतर को, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, नॉर्मल टेम्परेचर में रखा हुआ है, क्योंकि वो जंगली कबूतर हैं, वो भी तो जी रहे हैं ना साथ में। उस तरीके से जितना आप इनको हार्ड बना के रखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। लाइट मैं इनको रात को नहीं देता हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। शाम होते ही सब अपने अपने खानों में घुस जाते हैं और इनको बंद कर दिया जाता है। सुबह के टाइम जैसे ही अर्ली इन द मॉर्निंग धूप की पहली किरण दड़बे के अंदर पड़ती है, कबूतर खोल दिए जाते हैं सारे के सारे, तो ये पूरी धूप का आनंद लेते हैं। जिस दिन नहीं होती तो उसे दिक्कत नहीं होती, क्योंकि दड़बे के अंदर जाली लगी हुई है, सब दड़बों के अंदर जाली लगी हुई है आप देखें सामने, तो वो प्रॉब्लम नहीं रहती कि हाँ भाई क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं आती अपने को। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ, आप लोग ये बिल्कुल मत करें, दड़बों को ज़्यादा ना ढकें, ढक भी रहे हैं तो थोड़ा बहुत ढक लें हल्का फुल्का। टाँट की बोरी आती है, टाँट की बोरी लगा दें, वो भी आधी करके, ताकि हवा उसके अंदर से घुस के चली जाए, ज़्यादा गर्म ना हो, नॉर्मल रहे, ठीक है।
उस तरीके से अगर आप रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पानी नॉर्मल टेम्परेचर का दें, ना ज़्यादा ठंडा दें, ना ही उबाल करके दें गर्म पानी। जितना गर्म दोगे ये और ज़्यादा ख़राब होंगे, क्योंकि उस समय गर्म पी लेंगे वो पानी पड़े पड़े ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में इन्हें और दिक्कत आएगी, तो वो चीज़ आप बिल्कुल ना करें। कबूतर आपके सुस्त बैठ रहे हैं तो आप उनको एक काम कर सकते हैं, थोड़ा पानी ले लीजिए, पानी के अंदर उबाल करके उस पानी में, 1 लीटर पानी में 1 पाउच 2 रुपये वाला नेस्कैफे का पाउच डाल लीजिएगा। जब वो हो जाए बढ़िया करके, उबल जाए, उबल के ख़त्म हो जाए पानी अपना, बढ़िया उबल जाए, उसके बाद में 2 रुपये का पाउच डाल के, उबाले नहीं लगवाने, वो डाल दिया। उसके अलावा काली मिर्च 2 लौंग और थोड़ी सी 1 इंच अदरक, ठीक है, और लहसुन की 5 तुरियां, ये चीज़ें डाल करके आप पानी को पहले खौला लें, आखिरी में जब गैस बंद कर दें उसके बाद में 2 रुपये वाला जो उसका नेस्कैफे का पाउच था वो उसमें डाल दें, और पानी को ठंडा करके इन कबूतरों को उस 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी और मिला करके इन सबको दे दें आप, ठीक है दोस्तों। तो ये था गर्म पानी, आप सभी के काम आने वाला है, ये टिप्स आप यूज़ करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। कबूतरों को टाइम पे खोलें, टाइम पे बंद करें, ज़्यादा ना ढकें, यही आपसे आशा है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने शो हो रहा है, वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, जैसे भी हो मैं आपको रिप्लाई करके आपका आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।